दोस्तों, हमारी दुनिया कई तरह के रहस्यों और अनसुलझी गुत्थियों से भरी हुई है, और जब रहस्यों की बात होती है तो ये पेंटिंग इसका एक शानदार नमूना है। ये पेंटिंग जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने आप में ही कुछ ऐसे राज दबाए हुए बैठे हैं कि जो भी इसे देखता है वो इसकी मायावी दुनिया में कहीं खो सा जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस औरत को पेंटिंग में देखकर लोग इतने दीवाने हो गए थे कि इसके चलते वो आत्महत्या कर लेते थे। कोई कहता है कि ये मुस्कुरा रही है, तो कोई कहता है कि ये उदास है। आखिर इसकी इस मुस्कुराहट का क्या राज है? अगर हम इसके तह तक जाने की कोशिश करें तो शायद कई परतें खुल जाएं। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको मोना लिसा की इस पेंटिंग से जुड़े कुछ राज, जो शायद आपके दिमाग को भी हिला दे, बताने वाले। आप में से कई लोगों ने इटालियन फिलोसोफर और पेंटर लियोनार्डो द विंची के बारे में जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि यूरोपियन रेनेसांस पीरियड में कई महान फिलोसोफर हुए, जिनमें से विंची भी एक थे। इनके द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग मोना लिसा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे लेकर कई विशेषज्ञ इसमें काफी खोजबीन कर रहे हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब $867 मिलियन है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए है। लियोनार्डो द विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था, और साल 1517 तक आते आते भी उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ लेयर्स तो इंसानी बाल से भी बारीक थी। वैसे ये पेंटिंग देखने में तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन असल में ये काफी छोटी है। यह 30x21 इंच की है और इसका वजन तकरीबन 8 किलोग्राम है। इसे पेपर या कैनवस पर नहीं बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंटिंग का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। बताया जाता है कि लियोनार्डो को सबसे ज्यादा दिक्कत मोना लिसा के होंठों को बनाने में आ रही थी। मोना लिसा के सिर्फ होंठों को बनाने में उन्हें करीब 12 साल लग गए थे। तो आखिर ऐसा क्या था मोना लिसा के होंठों में? तो आपको बता दें कि मोना लिसा का मतलब माय लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। अगर बात करें तो इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अभी तक कई रिसर्च भी हो चुकी है। मोना लिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहली नजर में अगर हम इसे देखें तो ये खूब मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे ये मुस्कान फीकी पड़ने लगती है, और अगर हम इसे कुछ और देर देखें तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसलिए मोना लिसा के सिर्फ होंठों को बनाने के लिए लियोनार्डो द विंची को 12 साल लग गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि लियोनार्डो ने जिस औरत की ये पेंटिंग बनाई है, वह औरत अपने भीतर कोई बहुत ही गहरे राज छुपाए हुए है। इसी वजह से मोना लिसा की मुस्कान काफी रहस्यमय है। इसी बात को जानने के लिए कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए ये कहा था कि मोना लिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हुए हैं। इस वजह से उसका ऊपर वाला होंठ थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। वहीं साल 2000 में हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट ने भी मोना लिसा की एक पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया था कि मोना लिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। जैसा आपका मूड होगा वैसे ही मोना लिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। आगे उन्होंने बताया कि अगर आप खुश हैं तो आपको मोना लिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोना लिसा की मुस्कान फीकी पड़ जाएगी और आपको बेहद निराशा में दिखेगी। हालांकि आज भी इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर मोना लिसा कौन थी। इसका मतलब ये है कि जिस लड़की की तस्वीर को लियोनार्डो ने बनाया था वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह एक रहस्य ही है। वहीं एक थ्योरी का तो ये भी कहना है कि मोना लिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो ही थे। इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। वहीं आपको बता दें कि ये पेंटिंग अब तक की सबसे कीमती पेंटिंग है। वहीं आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि एक बार एक आर्टिस्ट ने तो मोना लिसा के लिए अपनी जान ही दे दी थी। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मास्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि वो मोना लिसा की रहस्यमय मुस्कान व उसकी सुंदरता के लिए बहुत ज्यादा पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा था कि वह मोना लिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर फ्लावर भी मिलते हैं। मोना लिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर तक छोड़ जाते हैं। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल उठकर यही सामने आता है कि आखिर ये पेंटिंग इतनी पॉपुलर हुई कैसे? तो आपको बता दें कि ये पेंटिंग कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। इसे पॉपुलैरिटी तब मिली जब एक बार पेरिस के रिस लोबे म्यूजियम में से ये चोरी हो गई थी। असल में 21 अगस्त 1911 को जब ये पेंटिंग वहाँ से गायब हुई, तो इतने बड़े म्यूजियम से इस पेंटिंग का चोरी हो जाना उस समय अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। कहा जाता है कि इसके चोरी होने के बाद सबसे पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी विंसेंजो पेरुजिया ने चोरी किया था। उसने बताया कि वो इस पेंटिंग को वापस इटली ले जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इटली की ही धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन आज भी इटली के लोग उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि इस मोना लिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है कि लियोनार्डो द विंची के ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस
फ्रांसिस्को मेल्सी ने इसकी एक जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के मुसेओ दे प्राडो म्यूजियम में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यू वर्जन भी बनाया था। उनकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वाना कहा जाता है। वहीं कई लोगों का तो ये भी कहना है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। वहीं अगर बात करें कि असल में मोनालिसा थी कौन, मोनालिसा कौन थी, यह आज भी एक रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही कभी बताया है कि आखिर यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह पेंटिंग लीजा घेराडनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन महिला है। आर्ट हिस्टोरियन मिस माइक के दावे की माने तो तस्वीर की महिला इटली के अरेंगो प्रोविंस की ड्यूक की पत्नी इजाबेल है, और इसके पीछे की थ्योरी यह है कि लियोनार्डो ड्यूक के दरबार में उस समय रॉयल आर्टिस्ट हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर साइंटिस्ट लिलियन स्वार्ड ने अपनी रिसर्च को बेस बनाकर कहा है लियोनार्डो दा विंची की ये पेंटिंग किसी महिला की नहीं बल्कि एक पुरुष का चित्र है, और यह पुरुष कोई और नहीं खुद लियोनार्डो ही है। उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में ही पेश किया है। इस बारे में आज से कुछ साल पहले एक इटालियन रिसर्चर सिल्वानो विंसेटी ने कहा था कि मोनालिसा की आंखों में कुछ छोटे अक्षर छुपे हुए हैं, जिससे इस महिला के बारे में पता लगाया जा सकता है कि आखिर ये है कौन। ये अक्षर बी या एस या प्रोबेबली सी ई हो सकता है, और यह इस मॉडल की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग थे। विंसेटी ने बताया था कि अक्सर इस पेंटिंग को एक फ्लोरोनाइट व्यापारी की पत्नी लीजा घेराडनी माना जाता है, लेकिन विंसेटी इस बात को बिल्कुल नकार देती है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया कि लोगों ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था, उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वहीं इस पर एक महिला ने लाल स्प्रे भी छिड़क दिया था। आइए अब एक बार लियोनार्डो दा विंची के बारे में भी जान लेते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची में जन्मे लियोनार्डो एक पेंटर होने के साथ साथ ही कई डिस्कवरीज का शुरुआती खाका खींचने वाले महान इन्वेंटर भी थे। लियोनार्डो को फ्लाइंग मशीन, आर्मर्ड व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और स्काई कलर को लेकर कॉन्सेप्ट देने का भी क्रेडिट दिया जाता है। साथ ही उन्हें कैंची का भी इन्वेंटर माना जाता है। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची कभी स्कूल नहीं गए, और फ्रांस में 2 मई 1519 को दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने कई आविष्कारों की जमीन तैयार कर दी थी। उन्होंने आर्किटेक्चर, बायोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी पर खूब जानकारी जमा की थी। लियोनार्डो ने अस्पतालों में मौजूद डेड बॉडीज के जरिए बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी किया था और उनके 240 चित्र बनाए थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।